हमेशा हमने देखा है कि फ्रंट फुट पर रहता है, हमेशा से PSL में आप कराची किंग्स को स्पॉन्सर करते रहे। टीम्स और भी बहुत सारी हैं, आप कराची के रिहायशी हैं, कराची से मोहब्बत भी करते हैं, तो सिर्फ कराची किंग को ही स्पॉन्सर करने की वजह क्या है कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा है कराची किंग से कराची के रिहायशी हैं। शान भाई, मेरा जो आपने सवाल किया उसका जवाब आपने खुद दे दिया। बिल्कुल हम कराची आए थे और कराची से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो बिल्कुल कराची किंग हमारी अपनी टीम है और पिछले कई सालों से हम कराची किंग के साथ एसोसिएटेड हैं और इस साल भी इंशाल्लाह हम इसके साथ हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि स्टार्ट भले स्लो है लेकिन इंशाल्लाह ट्रॉफी हमारी है। आज हमने देखा कि इरफान भाई माशाल्लाह GFS की सारी मैनेजमेंट और कराची किंग्स के तमाम प्लेयर्स जो है आपस में गेट टुगेदर करने जा रहे हैं फुटबॉल कॉन्टिनेंटल में, तो बेसिकली किस पर्पस के लिए इस गेट टुगेदर को रखा गया है? आज किस किस से मुलाकात होने जा रही है लोगों की? बिल्कुल हम अपने लोगों को मिलूंगा और बड़े प्लेयर्स जो कराची के साथ एसोसिएटेड हैं उनके साथ जो हमारे रोटीज हैं उनको भी कुछ चीज़ को बुलाया है ताकि वो मिंगल हो सकें और थोड़ा एक्नॉलेज करें ताकि लोग इनके साथ इंटरेक्शन हो सके। और वो ऑफिशियली वसीम भाई भी होंगे, इमाद भाई हैं और साउथ अफ्रीका इमरान ताहिर भी होंगे, तो पूरी एक इंटरेक्शन कराची किंग की मॉड्यूल है और उसके साथ भी देखेंगे कि बड़ी चीज़ है। इरफान साहब, हमने देखा कि बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं सिर्फ अपने काम को फोकस करते हैं, सिर्फ डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, अपने काम को बिजनेस को फोकस किया, बल्कि लाभ फायदा आता है। जी शान भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम ऑलरेडी लंदन में हमारा ऑफिस है, शिकागो में ऑलरेडी हमारा ऑफिस है, जोहान्सबर्ग में हमारा ऑफिस है, दुबई में हमारा ऑफिस है, बहरीन में हमारा ऑफिस है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मदीना मुनव्वरा में हमारा ऑफिस खुलने जा रहा है। इसके अलावा कतर, ऑस्ट्रेलिया और टर्की में इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमारे ऑफिस वहाँ पर बहुत। इरफान भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे। वैसे तो आपने पूरी कराची किंग्स को स्पॉन्सर किया हुआ है, आप पसंद भी करते हैं, खुद भी बताएं क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, कभी खेलते रहें, और पूरी कराची किंग्स जाहिर सी बात है आपके तो सभी फेवरेट होंगे, लेकिन कोई एक खिलाड़ी ऐसा बताएं जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? बिल्कुल, मैंने क्रिकेट बहुत खेली है और बड़े लेवल पर भी खेली है, लेकिन वाकई क्रिकेट से बड़ा लगाव है। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि टेबल टेनिस हमारी फैमिली गेम थी। मेरे अंकल पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट नेशनल चैंपियन रहे हैं पाकिस्तान के, तो बिल्कुल क्रिकेट हमारी पैशन में है। वसीम भाई हमारे ऑल द फेवरेट रहे हैं, लेजेंडरी हैं, वो आज कराची किंग्स के साथ भी हैं। इसी तरह हम इमरान वसीम हमारे फेवरेट हैं जो लीड भी कर रहे हैं और लीड फ्रॉम करते हैं। बाकी पूरी टीम इमरान ताहिर का बड़ा फैन हूँ मैं जो साउथ अफ्रीका का, तो इंशाल्लाह मैं विश करता हूँ कराची किंग्स को। जो कराची किंग्स के सपोर्टर हैं, जो कराची किंग्स को पसंद करते हैं, खिलाड़ियों को पसंद करते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम जीत नहीं सके, मैं खुद कराची को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, तो ये बताएं कि एज अ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एज अ CEO, आप कराची किंग्स को पसंद करने वाले देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स है और मेहनत बड़ी कर रहे हैं, टीम यूनाइटेड है, इमाद के अंडर बड़ी स्किल्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट स्लो है लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि हम ट्रॉफी लें। पेशावर जलमी के साथ मैच था, इमाद वसीम ने बड़ा जोर मारा, आखिरी दो रन से हार गए, मैच जीतने के करीब था, उस टाइम आप मैच देख रहे थे, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी? बस बिल्कुल नील राइटिंग फिनिश हुआ और उम्मीद करते थे कि हो जाएगा, लेकिन बस वो इमाद की विकेट ने जो पासा पलट दिया। अगर PSL जीत जाती है कराची किंग्स, GFS क्या बड़ा गिफ्ट देगा खिलाड़ियों को अपनी तरफ से? अगर PSL जीतता है कराची किंग्स, PSL तो इंशाल्लाह ताला जितने भी कराची किंग्स के प्लेयर हैं उनको GFS सबको एक एक प्लॉट देगा अपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।